नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। शिक्षार्थियों, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी। नमस्कार ज्ञानदेव जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम लोग द्वितीय भाषा अर्जन के बारे में बातचीत करेंगे। शिक्षार्थियों, हिंदी के यशस्वी कवि केदारनाथ सिंह की एक कविता है जिसमें वे भाषा के बारे में बातचीत करते हैं। उसकी दो पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूँगा। वे कहते हैं कि हिंदी मेरा देश है और भोजपुरी मेरा घर। केदार जी आगे बताते हैं कि कैसे दोनों भाषाओं में उनकी आवाजाही होती रहती है। तो पहली भाषा और दूसरी भाषा हम सभी के जीवन के हिस्से होते हैं और दोनों में लगातार आवाजाही चलती रहती है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्ञानदेव जी उपस्थित हैं। ज्ञानदेव जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैं शिक्षार्थियों से बातचीत के क्रम में द्वितीय भाषा अर्जन से जुड़े विविध पहलुओं पर आपसे बातचीत करूंगा और मुझे विश्वास है कि इस बातचीत के बाद द्वितीय भाषा अर्जन से संबंधित अनेक मुद्दे स्पष्ट होंगे और अध्यापन के सिलसिले में अनेक रणनीतियों पर काम करने में सहूलियत होगी। द्वितीय भाषा अर्जन यानी दूसरी भाषा जो पहली जबान के बाद यानी मादरी जबान के बाद हमारी ज़िंदगी में आती है, पर इसके पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर कोई जबान कैसे सीखी जाती है। ज्ञानदेव जी, यह बताने का कष्ट कीजिए कि कोई भाषा या जबान कैसे सीखी जाती है। धन्यवाद निरंजन जी। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, द्वितीय भाषा अर्जन, आपने बहुत ही खूबसूरत उदाहरण के साथ हमारे शिक्षार्थियों को यह बताया कि द्वितीय भाषा का आशय क्या है। वास्तव में आपका जो सवाल है उस पर यदि नज़र डालें तो यह बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि या यूँ कहिए कि वैज्ञानिक नज़रिए से यदि देखें तो कोई भी नई भाषा याद करना और उसे धड़ल्ले से बोलना बेहद कठिन काम है, क्योंकि कोई नई जबान सीखने का मतलब हमारे दिमाग को कई तरह से काम करना होता है। यानी जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, या हम अपनी पुरानी चर्चा को एक बार फिर से याद करने की कोशिश करें, भाषाओं पर बात करते हुए या भाषा अर्जन पर बात करते हुए हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि हमारे मस्तिष्क के उन तंतुओं में भाषा शामिल है जो मस्तिष्क अभी तक बहुत कुछ समझा जा चुका है और बहुत कुछ समझना बाकी है। यानी भाषा सीखने की जो क्षमता है मनुष्य में वह जन्मजात है। नई पाठचर्या इसे स्वीकार भी करती है और आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में जन्म से ही, यानी एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो और भाषा कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसे आप एक खास खांचे में बांध के रख दें। किसी खास भाषा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो फिर मामला दिगर होता है, लेकिन जब भी हम किसी नई भाषा को जो हमारे परिवेश के इतर या उससे अलग की भाषा है उसे सीखने की कोशिश करते हैं तो एक संघर्ष से, एक जद्दोजहद से हमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक होता है कि हम पहले उस भाषा के शब्द को याद करें, उस भाषा की संरचना को जानें। उस भाषा के शब्द याद करने का मतलब होता है कम से कम 10,000 शब्द याद करना, फिर उनके बोलने का तरीका याद करना होता है और फिर उसकी ग्रामर या व्याकरण पर पकड़ बनानी पड़ती है ताकि हम वाक्य संरचना को ठीक ठीक जान सकें और उसका व्यवहार ठीक ठीक कर सकें। कुल मिलाकर एक नई जबान सीखने का मतलब है एक नई संस्कृति से रिश्ता जोड़ना। ये काम कई मोर्चों पर होता है, वरना हम रोबोट की तरह अटक अटक कर कुछ शब्द बोल लेंगे परंतु किसी भाषा पर हमारी पकड़ नहीं बन सकती। नई भाषा सीखना बहुत मुश्किल दिमागी कसरत है। इसके फायदे भी हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि भाषा सीखने की जो क्षमता है वो हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन नई भाषा सीखने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी जी। लेकिन नई भाषा सीखने के कई फायदे हैं।
ये कहा जाता है कि कई जबानें बोलने वालों की याददाश्त काफ़ी तेज हो जाती है। तो मस्तिष्क जब क्रियाशील हो जाएगा एक से अधिक भाषाओं को सीखने के लिए, तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता यदि बढ़ेगी तो याददाश्त का बढ़ना मुझे लगता है स्वाभाविक है। उनके दिमाग में जो भी द्वितीय भाषा या अन्य भाषा अर्जित हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग में जानकारी का खजाना भी जमा होता जाता है। कि आरंभ में भी हम लोगों ने कहा कि भाषा का संबंध संस्कृति से भी है, तो जब आप नई भाषा सीखेंगे तो वहाँ की संस्कृति की कुछ जानकारियाँ भी हमें मिलेंगी। और एक और वैज्ञानिक पहलू है कि इससे भूलने की बीमारी होने की आशंका कम हो जाती है। बहुत सुंदर। मतलब यदि हम एक से अधिक भाषाएं जानते और बरतते हैं तो हमारी जो भूलने की आदत है वो कम हो जाती है। बीबीसी हिंदी की एक रपट के मुताबिक कनाडा की यार्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एलन वियालस्टोक ने इस बारे में एक रिसर्च किया था जिसमें पता चला कि ज़्यादा जबानें बोलने वाले लोगों में बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी 6 से 9 साल देर से आती दिखाई देती है। यानी जो लोग कई भाषाएं जानते हैं उनमें यह जो भूलने की बीमारी है वह कुछ विलंब से आती है। उन्होंने 6 से 9 साल की एक अवधि का जिक्र किया है। वैसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते थे कि कई जबानें सीखना इतना आसान नहीं है। तो पहले ये माना जाता था कि आप कई भाषाएँ नहीं सीख सकते, जबकि हम अपने आसपास भी ये देखते रहे हैं कि वे लोग जो शिक्षा के दायरे में शामिल नहीं हैं वो भी एक से अधिक भाषाएं सीखते रहे हैं। जी, बिहार से जब लोग बंगाल जाते थे और घर लौट के आते थे तो बांग्ला अपने साथ लेके आते थे, यानी उस परिवेश से वो द्वितीय भाषा अर्जन कर लेते थे, उसके लिए उन्हें किसी विद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं थी। शिलोंग के लालचंद बस्ती में, जहाँ बिहार या यूं कहिए कि वैशाली जिले के सर्वाधिक लोग हैं जो वहाँ रह के दूध का व्यवसाय करते हैं, वहाँ के लोगों को बिहार में जन्मे पले बढ़े और वज्जिका जिनकी मातृभाषा है उनको बड़े धड़ल्ले से खासी बोलते हुए सुना है, लेकिन लिखने में उनको भी परेशानी होती है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में हम भाषा शिक्षण के उन 4 तत्वों को जानने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत सुंदर ज्ञानदेव जी। जी, असल में भाषाओं का अध्ययन से सिलसिला जब बनता है तो बहुत सारी चीज़ें हम हासिल करते हैं। हमारी, अच्छा ध्यान दिलाया आपने, हमारी पाठचर्याएं भी इस बारे में खुलकर बात करती हैं। और पुरानी पाठचर्याओं को याद करें और जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नई 2005 की है, तब उसमें एक फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं। यह जो हमारी नई पाठचर्या है वह भाषा पर ज़्यादा बल देती है। जी, वह मानती है कि पाठचर्या के केंद्र में भाषा है, जिसे अंग्रेजी के पदबंध में लैंग्वेज एक्रॉस कैरिकुलम भी कहा जाता जी, है जी। तो एक से अधिक भाषाएं जानना हमारी अधिगम की क्रिया में बहुत सारे नए संदर्भों को जोड़ता है। आपने सुंदर उदाहरण दिया कि किस तरह से खासी भाषी हो जाते हैं बिहार की एक इलाके से जाने वाले जी वज्जिका भाषी हो जाते हैं। मैं, मेरा अपना अनुभव भी है, मैं राजस्थान पढ़ाया बहुत दिनों तक, और जब मैं उदयपुर में था तो वहाँ पर विद्यार्थियों से जब बातचीत होती थी तो ज़्यादातर बातचीत मेवाड़ी में होती थी, तो जो मेरी मातृभाषा भोजपुरी है उसके साथ मेवाड़ी का भी एक अध्याय जुड़ा। लेकिन हमारे शिक्षार्थी यह जानना चाहेंगे कि अधिगम की दुनिया में द्वितीय भाषा का क्या अर्थ है, द्वितीय भाषा का क्या मतलब है? एक तो द्वितीय भाषा को ऐसे समझिए कि हर इंसान के पास बहुत कम वक्त होता है और बचपन में हम नई बातें, नई चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र ये क्षमता में ये क्षमता कम होती जाती है। दूसरी जबान सीखने की जो बड़ी ज़रूरत है कि आप में एक साथ कई किरदार जीने की काबिलियत होनी चाहिए। द्वितीय भाषा अर्जन की मैं शर्तें बता रहा हूँ कि आप में एक साथ कई किरदार, यानी एक वह जो पहली भाषा और उसकी जुड़ी, उससे जुड़ी हुई संस्कृति से आपको मिली, और दूसरा किरदार वह जब आप द्वितीय भाषा अर्जन करते हैं तो उससे आपको मिलने वाली है या मिल रही है। असल में हर भाषा बोलने का अपना अंदाज होता है, उसका अपना इतिहास होता है, हर जबान से जुड़ी संस्कृति होती है। तो जब आप कोई खास भाषा बोलते हैं तो उसके तमाम पहलू भी अपना लेते हैं। इसी संदर्भ में अब हम ये जानें कि द्वितीय भाषा है क्या। देखिए, इसे एक सामान्य से उदाहरण से समझिए कि एक तरह से प्रथम भाषा पुस्तैनी धन है।
और द्वितीय भाषा आपका स्व अर्जित, कानून की भाषा में जिसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं वो प्रथम भाषा है, और सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं वो द्वितीय भाषा है जी। तो यह जो एक तो विरासत की भाषा और दूसरी आपके द्वारा सीखी गई या अर्जित की गई भाषा है, तो द्वितीय भाषा को इस संदर्भ में हमें देखना चाहिए। द्वितीय भाषा अर्जन के सिलसिले में हमें त्रिभाषा सूत्र पर एक नज़र अवश्य डालनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि हमें अधिगम के क्षेत्र में यह जानने की आवश्यकता है कि द्वितीय भाषा अर्जन का क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले तो हम यह जानें कि द्वितीय भाषा की स्थिति क्या है। 1969 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एक बड़े विमर्श के बाद 1964 से 66 तक प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो आयोग बना, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, एक लंबे विमर्श के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पहले भारत में भाषा का विवाद थोड़ा गहरा चुका था, द्वितीय राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के जाने का जो समय था 15 साल, वो वर्ष 1965-66 में ख़त्म हो रहा था, और यह आयोग उसी समय अपना काम कर रहा था। देश की जो स्थिति थी वो आप सबको पता है। ऐसे में यह अनिवार्य हो गया था कि भारत अपने स्कूली शिक्षा के लिए भाषाई नीति कम से कम बनाए। भाषाई नीति का मतलब है कि हम दो तरह की चर्चा करते हैं इसमें, एक तो वह जिन भाषाओं को पढ़ाया जाएगा, और दूसरा वह जिन भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, यानी भाषा के दो रूप इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला वह कि किन भाषाओं की किस स्तर से पढ़ाई होगी, और दूसरा वह जिसमें भाषा को माध्यम भाषा बनाया जाएगा। 1968 में जो पहली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है कोठारी आयोग की अनुशंसा के आलोक में, उसके अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। जी जी, या तो आपकी मातृभाषा हो या उस क्षेत्र विशेष की भाषा हो। द्वितीय भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो सकती है, कोई भी आधुनिक भाषा द्वितीय भाषा के रूप में आप पढ़ सकते हैं, या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। जी, यानी जी। एक तरफ जहां आप हिंदी भाषी संविधान के अनुसार जिसे क्षेत्र क कहते हैं, वहां हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी प्रथम भाषा हो गई, वहीं गैर हिंदी भाषी जो हमारे प्रदेश हैं उनके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही एक बादान पर आकर खड़ी हैं, दोनों ही उनके लिए द्वितीय भाषा का रूप लेती हैं हमारी 1969 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। जो त्रिभाषा सूत्र में तृतीय भाषा का जिक्र है वह है हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी, या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो। मान लीजिए कि आपने द्वितीय भाषा के रूप में ही अंग्रेजी पढ़ ली, तो तृतीय भाषा के रूप में भी अंग्रेजी न पढ़ के आपको कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़नी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी, या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो। यदि मान लीजिए किसी गैर हिंदी भाषी राज्य में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई हो रही है, तो तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी की पढ़ाई होगी, और यदि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है तो तृतीय भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई होगी। माध्यम भाषा के लिए इस नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह सुझाव दिया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का यानी माध्यम का शिक्षण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो। जी जी, यह बहुत महत्वपूर्ण था कि कम से कम उत्तर भारतीय राज्यों के लोग भी एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखें, जानें, ताकि जब आप वहाँ जाते आते हैं, आपका संपर्क सरोकार बढ़ता है, तो वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसके बारे में आप अबूझ न रहें, ऐसा न हो कि आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था कि एक दक्षिण भाषा भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और गैर हिंदी भाषी राज्यों में
हिंदी हो। अब हिंदी को हमने राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में देखा था, या आज़ादी के समय हिंदी का जो अवदान है या हिंदी की जो भूमिका रही है उसके आधार पर यह माना गया था कि हम हिंदी को एक राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में तो विकसित कर ही सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है या उस परिवार की भाषा नहीं है जो जहाँ से हिंदी निकलती है, वैसे में आवश्यक होगा कि उन प्रांतों के लोग भी हिंदी जानें और सीखें। यह जानने सीखने की जिम्मेवारी सिर्फ परिवेश पर न छोड़ के विद्यालय शिक्षा को सौंपी गई। एक तरफ तो वे लोग जो वहाँ जाकर वहाँ की भाषा सीख या जान सकते थे, दूसरी तरफ वैसे बच्चे जो हिंदी भाषी राज्यों में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें यह सुविधा दी जाए कि वह अपने विद्यालयों में रहते हुए अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण अधिगम करते हुए भी हिंदी को सीख सकें। कुछ बच्चों के लिए विद्यालय में उनकी शिक्षा का माध्यम उनके द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, तो कुछ बच्चों के लिए इससे भिन्न नई भाषा। उदाहरण के लिए बिहार में रहने वाला बच्चा घर में भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका बोलता है और स्कूल में उसकी भाषा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होती है, या फिर बंगाल में रहने वाला बच्चा जो घर पर स्लेटी, हिंदी, संथाली या नेपाली बोलता है, स्कूल में उसका सामना बांग्ला से होता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं को भी माध्यम भाषा बनाने में एक परेशानी यह है कि बच्चे की जो घर की भाषा है, जैसे बिहार और बंगाल के उदाहरण से हमने इसे जानने की कोशिश की, कमोबेश यही स्थिति सभी हिंदी प्रांतों की है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं बच्चे आमतौर पर उन्हीं भाषाओं को बरतते हुए विद्यालयों में, स्कूलों में आते हैं और यहाँ आकर उनकी माध्यम भाषा हिंदी हो जाती है। जी, माध्यम भाषा के बारे में आपने अच्छी जानकारी दी। जो भाषा के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी, जी, विद्यालयों में भाषा दो रूपों में बरती जाती है ज्ञानदेव जी। जी, एक भाषा विषय के रूप में हम पढ़ते हैं जी, और दूसरी जैसे गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसकी उसके लिए किस भाषा का इस्तेमाल हो, यानी माध्यम भाषा। तो विषयों के केंद्र में भाषा भी है और भाषा एक अलग से अध्ययन का विषय भी है। जी, जी। तो आपने बताया कि किस तरह से बंगाल में या बिहार में जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, कई बार स्कूल की भाषा वहां पर जाते हुए उससे जुड़ जाती है या फिर उसमें बदलाव आता है। तो यह जो शिक्षा का माध्यम है और भाषा का रिश्ता है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। अभी जो हमने दोनों उदाहरण लिए, उपयुक्त दोनों ही स्थितियों में बच्चे को प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी भी सीखनी पड़ सकती है। यहाँ हिंदी, बांग्ला अथवा अंग्रेजी और अंग्रेजी बच्चों के लिए द्वितीय भाषाएं हैं। यहाँ हिंदी जी, बांग्ला अथवा अंग्रेजी या अंग्रेजी बच्चों के लिए द्वितीय भाषाएं हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा साथ लेके गए और उनकी माध्यम भाषा इनमें से कुछ हो जाती है, तो आमतौर पर आप देखेंगे कि हिंदी भाषी प्रांतों में अब हिंदी और अंग्रेजी एक साथ उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है, एक भाषा के रूप में, माध्यम भाषा के रूप में कमोबेश हिंदी और स्थानीय जो भाषाएं हैं उनका उपयोग या प्रयोग चल रहा है। लेकिन इस ऐसी परिस्थिति जो है माध्यम भाषा और एक विषय के रूप में भाषा की, ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय भाषा को सीखना एक व्यापक चुनौती सामने लाता है। वही इस रूप में कि या तो बच्चे अपने घरेलू वातावरण में द्वितीय भाषा से बिल्कुल अछूते रहते हैं या फिर बहुत कम सीमा तक उनसे संपर्क हो पाता है। आप अंग्रेजी के संदर्भ में इसको विशेष तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन द्वितीय भाषा अर्जन करने की जो कुछ शर्तें हैं या कुछ लक्ष्य हैं उसके बारे में भी विस्तार से बात करने की जरूरत है। जी, तो हमारे शिक्षार्थी यह जानना चाहेंगे जी कि द्वितीय भाषा अर्जन के लक्ष्य क्या हैं। इसके पहले मैं एक रोचक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जी जी, बहुत लंबे समय से जो भारत की संपर्क की भाषा रही है वह हिंदी प्रदेश की भाषा ही रही है। जैसे हिंदी के पहले यह काम ब्रजभाषा कर रही थी, उसके पहले अवधि यह काम कर रही थी, उसके पहले अपभ्रंश के जिम्मे यह काम था, उसके पहले आप जो एक भाषा थी प्राकृत और पाली उसके संदर्भ आते हैं जी। तो जो भारत के
सुदूर इलाके हैं, हिंदी इलाके से दूर, जैसे केरल है या फिर बंगाल कह लीजिए, इन सभी राज्यों में रहने वाले लोगों ने द्वितीय भाषा के बारे में गहरी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जैसे केरल में हिंदी बोलकर आप आराम से काम चला सकते हैं, या बंगाल में हिंदी बोलकर आप आराम से काम चला सकते हैं, लेकिन ये जो मध्य देश का इलाका है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि द्वितीय भाषा के प्रति, यहाँ भारतीय भाषाएं हैं, द्वितीय भाषा आम तौर पर हम अंग्रेजी लेते हैं, लेकिन द्वितीय भाषा का एक संदर्भ भारतीय भाषाएं भी हो सकती हैं, जिसकी ओर आपने इशारा भी किया था। तो यह जो द्वितीय भाषा के प्रति जो हिंदी प्रदेश का रवैया है, यदि वह अंग्रेजी है तब तो बहुत ही उसकी अच्छी स्थिति है, लेकिन जो दूसरी भाषाएं जैसे तमिल मलयालम है, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता में कमी है, जिसे हमारे कोठारी आयोग ने कहा भी था कि यह आदर्श स्थिति तो यह होगी जो हिंदी प्रदेश का जो बच्चा या बच्ची है वह दक्षिण भारत की किसी भाषा को सीखे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो द्वितीय भाषा के अर्जन के लक्ष्यों पर बातचीत करते समय बहुत संदर्भों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बताइए कि यह जो पहली भाषा है और दूसरी भाषा है उसके अधिगम में क्या अंतर है, लेकिन उसके पहले यह बताइए कि दूसरी भाषा जब हम अर्जित करते हैं तो आखिर किन लक्ष्यों के लिए करते हैं? बिल्कुल, द्वितीय भाषा अर्जन के जो लक्ष्य हैं इसके संदर्भ में हमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को ध्यान में रखना चाहिए। इस पाठचर्या की रूपरेखा ने, जिसे हम संक्षेप में NCF 2005 के नाम से भी जानते हैं, गंभीरतापूर्वक विचार किया और इस दस्तावेज के अनुसार द्वितीय भाषा की पाठचर्या के दोहरे लक्ष्य हैं, वैसी बुनियादी दक्षता प्राप्त करना जैसी प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित की गई हो, और साक्षरता द्वारा भाषा का ऐसा विकास कि वह अमूर्त चिंतन और ज्ञान का उपकरण बने। मतलब यह है कि किसी भी लहजे से या किसी भी तरह यह जो द्वितीय भाषा है यह प्रथम भाषा से कमतर नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आवश्यक पंक्ति है ये कि वैसी बुनियादी दक्षता प्राप्त करना जैसी प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित की गई हो, और साक्षरता द्वारा भाषा का ऐसा विकास कि वह अमूर्त चिंतन और ज्ञान का उपकरण बने। हम लोग आमतौर पर नहीं कहते हैं कि सपना किस भाषा में देखते हो, तुम्हारे सपने देखने की भाषा कौन सी है। तो द्वितीय भाषा भी हम इस तरह से सीखें कि कुछ सपने उसमें भी आने लगे। यह संपूर्ण पाठचर्या संबंधी उपागम की बात करता है, यानी पूरी पाठचर्या में भाषा के जो भी कार्य हैं उसे पूरा करने लायक यह दक्षता हमें आ जाए कि हम उसे पूरा कर सकें, जो अंग्रेजी और अन्य विषयों तथा अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं की दीवार को तोड़ दे। यानी यह जो मन में भाषाओं को लेके जो विविध तरह के विचार आते हैं, हमारी पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का यह मानना है कि यह इस तरह की भाषाई दीवार से हम मुक्ति पा जाएं। द्वितीय भाषा अर्जन करते हुए हम इस तरह से आगे बढ़ें कि पहली और दूसरी भाषा में बहुत फर्क हमारे पास न हो। आरंभिक स्तर पर अंग्रेजी वह भाषा हो सकती है जिसके माध्यम से बच्चों को ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां करवाई जाएं जिससे दुनिया के बारे में बच्चे की जागरूकता बढ़े। बाद के चरणों में सभी अधिगम भाषा के जरिए होते हैं। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अधिगम बिना भाषा के हो ही नहीं सकता, इसलिए भाषा महज एक विषय नहीं है बल्कि अधिगम के लिए एक आवश्यक उपकरण भी है, औजार भी है। उच्च स्तर का भाषा कौशल सभी भाषाओं में समान होता है। सभी भाषाएं कहने का अर्थ है कि जब आप उसमें योग्यता या कुशलता प्राप्त कर लेते हैं तो वह एक समान होता है। पढ़ना एक ऐसा कौशल है जो दूसरों को सिखाया जा सकता है। एक भाषा में उसके सुधार का असर अन्य भाषाओं में भी सुधार लाता है। अपनी भाषा में पढ़ने में यदि कोई असफल होता है तो उससे दूसरी भाषा के पठन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रथम भाषा को आधार बनाकर द्वितीय भाषा का अर्जन करना सुविधाजनक होता है। जी जी। अब प्रथम और द्वितीय भाषा अधिगम के भेद जिसकी आपने चर्चा की, वो मुख्य तौर पर यह है कि अध्यापक या अध्यापिका के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए, ये इनके लिए अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए और बच्चे बच्चियों के लिए जो संदर्भ है वो ये है कि
द्वितीय भाषा सीखने में मदद करना एक चुनौती भरा काम है दोनों के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए भी और बच्चे बच्चियों के लिए भी। प्रथम भाषा सीखने के लिए जो भाषा समृद्ध वातावरण उपलब्ध होता है वह हमेशा द्वितीय भाषा में उपलब्ध नहीं होता। इस माहौल की मौजूदगी को चुनौती के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। कहने का अर्थ यह है कि द्वितीय भाषा अर्जन में हमें उस तरह के माहौल निर्माण की आवश्यकता पड़ती है जबकि प्रथम भाषा अर्जन में उस तरह का माहौल हमारे आसपास रहता है। इस माहौल की मौजूदगी को चुनौती के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। निवेश समृद्ध संप्रेषण, मतलब जो जिसको माहौल बनाया, माहौल बनाने का जो की जो बात है, का वातावरण भाषा शिक्षण की बुनियादी शर्त है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस संदर्भ में हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि पाठ्यपुस्तकें, शिक्षार्थी द्वारा चयनित पाठ और कक्षा पुस्तकालय में जिसमें अनेक विधाओं के लिए जगह हो, छपी सामग्री, उदाहरण के लिए युवा शिक्षार्थियों के लिए बड़ी पुस्तकें हो सकती हैं 6-7-8 कक्षा के बच्चों के लिए, एक से अधिक भाषा में समांतर पुस्तकें और सामग्री, एक जैसी किताबें जो कई भाषाओं में उपलब्ध हों, मीडिया सामग्री, मैगजीन, समाचार पत्र के स्तंभ, रेडियो, ऑडियो कैसेट इत्यादि, और प्रामाणिक सामग्री वंचित शिक्षार्थियों के लिए भाषा माहौल को समृद्ध बनाने की जरूरत है, जिसके लिए स्कूलों को सामुदायिक शिक्षण केंद्र के रूप में हमें विकसित करना चाहिए। इस दिशा में कई सफल नवाचार मौजूद हैं जिनके सामान्यीकरण को खोजने और बढ़ावा देने की जरूरत है। पद्धतियां और दृष्टिकोण विशिष्ट न हों बल्कि मोटे तौर पर विस्तृत संज्ञानात्मक दर्शन के अनुकूल रहते हुए पारस्परिक रूप से समर्थक हों। एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय भाषा अर्जन की दक्षता का मापन कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या प्रथम भाषा की तरह ही हम द्वितीय भाषा का भी की दक्षता का भी मापन करें। इसे पुनर्नियोजित करने की जरूरत है। मूल्यांकन को बाधा के रूप में देखने की बजाय अधिगम की समर्थक प्रक्रिया के रूप में देखने की जरूरत है। शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन होना चाहिए। द्वितीय भाषा के लिए बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि यहाँ चारों ही कौशलों का विकास आपको करना होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसलिए आकलन एक अनिवार्य तत्व है। शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन होना चाहिए और उसका पोर्टफोलियो के रूप में लेखन रखना चाहिए। द्वितीय भाषा, इस तरह आप कह सकते हैं कि द्वितीय भाषा अर्जन चुनौतीपूर्ण तो है पर मुश्किल नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी। मुझे विश्वास है कि शिक्षार्थियों, आपको द्वितीय भाषा की अनेक अवधारणाओं के बारे में आज की यह बातचीत लाभप्रद हुई होगी। आज की इस बातचीत से आपने लाभ उठाया होगा। हम लोगों ने द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र जिसे कहते हैं, और भारत की भाषाई स्थितियाँ, अधिगम में उनकी उपस्थिति के मायने, और आखिर द्वितीय भाषा का मापन कैसे हो, इन सभी संदर्भों को जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्ञानदेव जी स्टूडियो में पधारने के लिए आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।